नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फोक्सी फ्री में। और किसान भाइयों के लिए लेके आया हूँ कमाल की जानकारी। दोस्तों, किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है जब उनकी गाय का भैंस का पैर टूट जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे यंत्र के बारे में जिसका यूज़ करके आप आसानी से उनकी हड्डी को जोड़ सकते हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए, थोड़ा पहले अपना इंट्रो दे दीजिए अपनी कंपनी के बारे में। हाँ, मैं वीर सिंह, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर फ्रॉम आईवीआरआई। और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में जो है ये इपॉक्सी फिक्सेटर है, ये स्मॉल एनिमल के लिए काम में आता है। और जैसे आपका कैट है, रैबिट है, या डक्स है, और दूसरे स्मॉल एनिमल हैं, उनके लिए सब में ये यूज करते हैं इसको। और आप ये दूसरा देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल फिक्सेटर है, ये लार्ज एनिमल में इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैर की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो इसको हम ड्रिल द्वारा छेद करके, ये जो आप पिन देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह से इन पिनों को डाला जाता है। और जब 2 से 3 महीने में ये हड्डी जुड़ जाती है तो इन पिनों को काट करके हम इसको फिक्सेटर को निकाल देते हैं और हमारा पशु जो सामान्य अवस्था में चलने लगता है। और क्या क्या प्रोडक्ट है सर आपके पास? आप इसमें देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है क्रिस्टोस्कोप है, ये भी बड़ा अच्छा यंत्र आईवीआरआई ने आविष्कार किया है इसका। और इसमें क्या है कि जैसे आप गाय भैंस हीट में होती तो कई बार हमारे किसान भाइयों को पता नहीं लग पाता कि उनको गाभिन करवाएं या ना करवाएं, तो इसमें सबसे सिंपल सा तरीका है, जब गाय भैंस हीट में आती है तो तोड़ा डालती है, और उस तोड़े का 1 से 2 बूंद हम लेकर के स्लाइड पर तैयार कर लेते हैं, और 3 से 4 मिनट सुखाने के बाद इसको हम इसमें इस तरह से लगाते हैं क्रिस्टोस्कोप में, और इसको हम ऑन करते हैं और फिर हम इसको देखते हैं यहाँ से। तो इसमें एक फन पैटर्न जैसा आकृति दिखाई देता है, तो इसमें ये जितना भी साफ सुथरा दिखाई देगा फन पैटर्न, उतने ही आपकी गाय या भैंस के रुकने के चांस इसमें ज़्यादा होंगे, और जितना ये धुंधला होता चला जाएगा उतने ही कम चांस आपके रहेंगे। और अगर बिल्कुल साफ सुथरा ना दिखाई दे तो किसान भाई अपनी गाय भैंस को गाभिन ना करवाएं। सर, बात करें इसकी कीमत की, जो ये है ये किसान भाइयों को कहाँ से मिलेगा और इसकी कीमत कितनी? देखिए, किसान भाइयों को बिक्री के लिए नहीं है ये, जो हमारे जो बैटरी सर्जन है वही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर हॉस्पिटल पे ये जो भी सर्जन है उनके पास अवेलेबल रहता है। सर, इसकी बात करें, ये किसान परचेज कर सकते हैं? हाँ, ये आपका रोहित इंटरप्राइजेज दिल्ली में है एक, वहाँ पे 450 रुपये के लगभग अवेलेबल है, और इसको किसान भाई वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। देख रहे हैं अमृतकाल लड्डू, ये क्या है कि जैसे गाय भैंस हीट में नहीं आती हमारी, तो उनको अगर 21 दिन तक हम ये लड्डू खिलाएंगे तो हमारी जो गाय भैंस है वो हीट में आ जाएंगी और उनके रुकने के भी चांस ज़्यादा होंगे। और इसकी जो कीमत है वो 10 रुपये के लगभग एक लड्डू आता है, और 21 दिन तक हमें कंटिन्यू इसको खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जाना वीर सिंह जी से इन सारे प्रोडक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपके जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।